प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ की इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे। बच्चों 22 नंबर, आइडेंटिफाई एंड राइट नेम ऑफ द बॉडी पार्ट। तो आज हम बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे, शरीर के जो हमारे अंग है उनके नाम के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पिक्चर बनी हुई है बच्चों, एरो भी लगा हुआ है, तो हमें बताना है कौन सा बॉडी पार्ट है। ये बच्चों सबसे पहले है, ये बॉडी पार्ट कौन सा है? आई। तो इसको आपकी स्पेलिंग बतानी है, इसको इसका नेम बताना है। तो आई की स्पेलिंग होती है ई वाई ई। तो बच्चों यहाँ पर देखो एक आंख है, अगर दो होती तो एस लग जाता, आईज हो जाता। तो यहाँ पर एरो एक ही आंख पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर आई लिखेंगे, ई वाई ई आई। नेक्स्ट है बच्चों, ये देखो ये एरो लगा हुआ है यहाँ पर हेड पर, एच ई ए डी हेड, हेड का अर्थ होता है सिर। नेक्स्ट पिक्चर है बच्चों, ये है ईयर, कान की। तो कान की क्या स्पेलिंग होती है? ई ए आर, ईयर। तो ये बच्चों ऐसे ही है जैसे ये एक कान है तो हमने ईयर लगाया है, अगर दोनों कान होते तो ईयर्स हो जाता। नेक्स्ट है पिक्चर बच्चों, ये देखिए ये है नोज, नाक की। तो नोज की स्पेलिंग होती है एन ओ एस ई, नोज। अगली पिक्चर है बच्चों माउथ की, ये है माउथ, एम ओ यू टी एच, माउथ होता है मुंह। और ये है बच्चों आर्म यानी भुजा, ये है भुजा, ए आर एम आर्म। नेक्स्ट पिक्चर है बच्चों, एरो लगा हुआ है यहाँ पर, ये चेस्ट यानी छाती, सी एच ई एस टी, चेस्ट हमारी होती है छाती। नेक्स्ट है बच्चों पिक्चर, ये है फिंगर की। तो फिंगर की क्या स्पेलिंग होती है? एफ आई एन जी ई आर, फिंगर। अगर पूरी आप पूछे जाए, पूरी उंगलियों का पूछा जाए तो एस लग जाएगा, फिंगर्स हो जाएगी, यहाँ हम लिखेंगे फिंगर। नेक्स्ट पिक्चर है बच्चों नी, KNEE नी। तो इसे कनी नहीं बोलना, नी बोलना है, के क्या है यहाँ पर? साइलेंट है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? नी, इसको क्या बोलेंगे? नी, KNEE नी, ये होता है घुटना हमारा। और ये है बच्चों पैर की अंगुलियां, तो ये होगा टो, इसे बोलेंगे टोई, TOE टो, ये पैर की अंगुली है। तो बच्चों इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज हमने बॉडी पार्ट्स सीखे हैं, बॉडी पार्ट्स के नेम सीखे हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह से बच्चों आपको ये जो बॉडी पार्ट्स हैं इनको लर्न करके टीचर जी को भी सुनाना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।